नमस्ते एवरीवन, आज मैं बात कर रही हूँ एक स्किन कंडीशन के बारे में जिसे हम कहते हैं मिलिया। देखने में ये वाइट छोटे छोटे स्किन टैग्स, स्किन सिस्ट होते हैं जो आपकी स्किन पे मोस्टली आंखों के आसपास या फिर नोज़ पे या चिन पे, मतलब फेस पे ज़्यादातर अपियर होते हैं और इतने ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। इनिशियली हमें लगता है कि ये शायद वाइट हेड्स हैं या ब्लैक हेड्स बन जाएंगे या पिम्पल है या एक्ने है। हम कोशिश करते हैं उसको फोड़ने की, लेकिन फोड़ तो सकते ही नहीं उसको। लेकिन अगर वो जैसे तैसे आप किसी गलती से अगर उसको हटा भी लेते हो या उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, तो आप देखते हो कि ये तो वाइट हेड था ही नहीं, ना ये पिंपल था। क्योंकि जनरली जब पिंपल होता है या वाइट हेड होता है, जब आप हम उसे प्रेस करें या पोक करें, तो उसमें से कोई लिक्विड या कोई म्यूकस कुछ तो निकलता है, बट मिलिया ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात, अच्छा आज की वीडियो को ना मैं तीन चार सेक्शंस में डिवाइड कर रही हूँ। सबसे पहले कि मिलिया होता क्या है, क्यों होता है, कितने तरह का होता है, क्या इनकी होम रेमेडीज़ हैं या नहीं है, अगर है तो आप क्या कर सकते हो, या फिर आप कहें कि मेडिकल ट्रीटमेंट में इसका क्या इलाज है, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। इस सबसे पहले तो ना मैं आपको बहुत क्लियरली ऑनेस्टली ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं कि किसी होम रेमेडी को करके आप इसको ठीक कर सकते हो, तो प्लीज़ अपना दिल छोटा ना करें, लेकिन ये किसी होम रेमेडी से ठीक होने वाला नहीं है। YouTube पे जितनी भी वीडियोस है ना जो बोलते हैं ये मास्क लगा लो, ये मिला के लगा लो, वो मिला के लगा लो, उनसे ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों होता है, कहाँ है आपकी स्किन में, ऊपर है, अंदर की तरफ है, पिंपल की तरह फोड़ोगे तो निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। ये जब तक नहीं समझोगे आप बेवकूफ़ बनते रहोगे। मैंने ऐसे ऐसी वीडियोस देखी ना यूट्यूब पे, जो ऐसे ऐसे केमिकल हाइड्रोजन परऑक्साइड में सोडा मिला के लगा दो, स्किन को जला दो और उसके बाद सेफ्टी पिन से उसको निकाल लो, लोग करके तक दिखा रहे हैं। दे डोंट, मतलब उसमें उनमें इतना ख्याल ही नहीं है, उनको ये कि भाड़ में जाएं लोग, एक बार वीडियो बना दो, व्यूज़ आ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, किसी की स्किन जले खराब हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट्स पढ़ते हो ना जब, तो ऐसे लगता है कि लोग क्या सच्ची में इतने बेवकूफ़ हैं कि कोई कुछ भी कह रहा है और आप कर रहे हो उसका। सबसे पहली बात तो कि होम रेमेडी से ये नहीं ठीक होने वाला है। लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो जिससे हो सकता है आपका ये ठीक हो जाए, या अगर आपको नहीं है अभी तो आगे फ्यूचर में ना हो। तो मिलिया होता क्या है, हमारी स्किन एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है केराटिन। केराटिन प्रोटीन जब आपकी स्किन के सरफेस पे, पोर्स के अंदर नहीं, दो पोर्स के बीच में जो सरफेस है, वो स्किन सरफेस पे जब वो ट्रैप हो जाता है तो वो मिलिया बन जाता है, वाइट कलर के स्किन सिस्ट बन जाते हैं, स्किन इकट्ठी हो जाती है वहाँ पे, जम जाती है। अब क्या है कि वो कोई पिंपल नहीं है, कोई वाइट हेड नहीं है कि मैं स्टीम लूँ और स्क्रब करूँ और वो निकल जाएगी, वो आपकी उसके ऊपर ना मिलिया, अगर वाइट सिस्ट ये है तो इसके ऊपर एक स्किन की लेयर है जो स्क्रबिंग से नहीं उतरती है, जो स्टीमिंग से नहीं खुलती है कि अंदर से मिलिया निकल आएगा, जैसे कि नॉर्मली हमारे पिंपल्स या वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स निकल आते हैं। तो सबसे पहले तो बता दूं कि वो लोग जो सोचते हैं ना कि ब्लैक हेड रिमूवल वाला जो एक वो जो पिन आती है उससे हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे टीनेजर्स ऐसा करते भी हैं, क्योंकि वो पेशेंस नहीं होती है ना हमें, हमें होता है कि ये बस ये फटाक से निकल जाए, ये मेरी स्किन यहाँ से बस प्लेन हो जाए, दाग दूग जो आएंगे वो तो मैं देख लूँगी, वो तो मैं क्रीम लगा लूँगी, मैं ये वाला मास्क लगा लूँगी, दाग मैं मिटा लूँगी, बट ये पहले ये निकल जाए, शेव कर दूँ उसको, बस प्लेन हो जाए स्किन किस तरह। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, आप इसे खुद एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, यू नीड डर्मेटोलॉजिस्ट, एक प्रॉपर प्रोफेशनल कोई आपको चाहिए जो आपको ये करके देगा। दो तरह का मिलिया होता है, नंबर वन इज प्राइमरी, देन सेकेंडरी। प्राइमरी मिलिया छोटे बच्चों में, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं ना, उनमें पाया जाता है, जब वो पैदा होते हैं तो छोटी छोटी स्किन टैग्स ऐसे वाइट वाइट उनकी स्किन पे बने होते हैं, जिसको डॉक्टर भी मना करता है कि आप इसको ऐसे नाखून से या कपड़े से रगड़ के प्लीज मत उतारना, ये अपने आप चला जाएगा। और आप देखोगे जैसे जैसे आप बच्चे की मालिश करते हो, उसको उसके ना उबटन करते हो उसकी बॉडी पे और उसको निलहाते हो, साफ रखते हो, वो धीरे धीरे उसका जो वो मिलिया वाली स्किन कंडीशन, वाइट वाइट जो स्पॉट्स के साथ उसकी स्किन पैदा हुई थी, वो खत्म हो जाती है विद इन 1 or 2 months, वो बिल्कुल डिजॉल्व हो जाते हैं। तो प्राइमरी मिलिया आराम से अपने आप ठीक हो जाता है स्किन की केयर करने के साथ, ये सिर्फ न्यू बॉर्न बेबीज में ही होता है। अब किस्मत फूटी है एडल्ट्स की क्योंकि हमने जो गलतियाँ की थी अपने एडोलेसेंस में, मैं कहूँगी उसके बाद भी, वो हमें अब असर आके मिलिया हमारे चेहरे पर दे गई। तो सेकेंडरी मिलिया इतनी आराम से ठीक नहीं होगा, अगेन मैं कहूँगी प्लीज़ डिसहार्टेड ना हो, आपको है तो ऐसा नहीं है कि 100% ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन होम रेमेडीज से ये ठीक नहीं होगा। भाई मैं बोल दूँ कि भाई छछूंदर की पॉटी में शहद मिला के थोड़ा सा जायफल का पाउडर मिला के लगा लो तो हो जाएगा ठीक, तो नहीं होगा। जो भी रेमेडीज होम रेमेडीज कह रहे हैं ना, देर इज नो गारंटी। इंटरनेट पे मैंने इतना पढ़ा है ना, साइंटिस्ट कहते हैं कि इसको आप किसी भी तरह की रेमेडी से ठीक नहीं कर सकते हो, इट्स अ वेरी सीरियस कंडीशन, वेरी जिद्दी स्किन कंडीशन, जो कि केमिकल्स के थ्रू जाएगी या फिर अच्छे लाइफस्टाइल के थ्रू जाएगी,
कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे रिजल्ट्स देखने में। केमिकल्स के थ्रू थोड़ी जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब क्या है कि मिलिया होता क्या है ये तो समझ आ गया, क्यों होता है ये, कोई ओवरनाइट पिंपल नहीं है। मेरे को एक्ने की बहुत सालों प्रॉब्लम रही है और मुझे पता है कि रात को सो और सुबह ऐसे पॉप 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 8-10 मुंह पे आ जाते थे रोज। मिलिया ऐसे नहीं होता है, आप सोओगे और सुबह उठ के देखोगे अरे यहाँ पे सिस्ट बन गए, छोटे छोटे वाइट दाने आ गए। नहीं, ये आपकी नेग्लिजेंस की वजह से, आपने अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखा उसकी वजह से आपको होते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी स्किन में कंडीशन बनती जाती है और फिर आपको धीरे धीरे वो अपियर होना शुरू होते हैं। जब स्टार्टिंग में आपको बनते हैं ये वाइट वाइट सेल्स, आपको लगता है अरे वाइट है जा गए ठीक है, इसको तो मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगी, या हो सकता है 2-4 दिन में 1-2 महीने में अपने आप ठीक हो जाएंगे। हम उसको फिर निग्लेक्शन में डाल देते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं स्किन का, और फिर वो जम के पक्के हो जाते हैं और फिर हमें लगता है कि अरे 2 महीने हो गए तो निकला ही नहीं, ऐसा इतना जिद्दी वाइट हेड था कि ये तो निकला ही नहीं, जबकि वो वाइट हेड था ही नहीं। हमारी ना आदत है कि हमें अवेयरनेस बहुत देर बाद आती है जब तक वो स्किन की कंडीशन खराब हो जाती है, आपने उसको रेगुलरली एक्सफोलिएट नहीं किया। नाउ एक्सफोलिएशन का मतलब ये नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई रोज आपको स्क्रब करना है स्किन पे, कोई भी वो दानेदार वाले मटेरियल ले लिए, चावल का आटा ले लिया, बेसन ले लिया और उसको रगड़ना है स्किन को, नहीं। आप बहुत नेचुरल और माइल्ड एक्सफोलिएशन भी कर सकते हो। एक तो सबसे पहले तो स्किन को साफ रखें, सुबह शाम फेस वॉश से जरूर धोएं, नहीं तो कोई भी होममेड यू नो फेस वॉश पाउडर्स बना के रखें जो मेरे चैनल पे हैं, उनसे आप वॉश करें अगर केमिकल ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते हैं। सेकेंड, रेगुलर एक्सफोलिएशन ज़रूरी है, जिसके लिए आप दही लगा सकते हैं, शहद और नींबू मिला के लगा सकते हैं, टमाटर घिसा उसका पल्प लगा लिया, यू नो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हो जो कि रेगुलर आपकी स्किन की डेड स्किन को आराम से उतारती रहती हैं और स्किन को क्लीन रखती हैं। नाउ दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आप केमिकल पील्स भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप अबव 35 हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप सैलिसिलिक एसिड सीरम लगाएं रेगुलरली। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है मेरे चैनल पे जिससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। मेरी एक्सट्रीमली एक्ने प्रोन ऑयली सेंसिटिव स्किन है और मैं सैलिसिलिक एसिड मुझे क्यों सूट किया, उसके क्या रीज़न है, वो सब डिटेल में बता चुकी हूँ। तो आप मिलिया के लिए सैलिसिलिक एसिड एक्सफोलिएशन इज अ ग्रेट स्टेप। आप अपने लिए अगर ये करते हैं तो आपका मिलिया धीरे धीरे, आपकी जो स्किन की अपीयरेंस है ना वो धीरे धीरे साफ होती जाएगी। तो ठीक है, तो फर्स्ट तो ये था कि आपने स्किन का ध्यान ही रखा, सेकंड कि आपने उसको रेगुलरली एक्सफोलिएट नहीं किया, थर्ड कि आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया। भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, जब हम स्कूल जाते थे ना, साइकिल पे स्कूल जाते थे, 23 किलोमीटर्स मेरा स्कूल था, मैं साइकिल पे इतनी धूप में जून जुलाई पूरे साल साइकिल पे स्कूल जाती थी और सनस्क्रीन क्या होता है पता ही नहीं था, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता था लाइफ में सनस्क्रीन होता क्या है, मम्मी ने भी कभी यूज नहीं करा, मैंने तो नाम तक नहीं सुना था कि अपने आप को बचाना है भाई धूप से ज्यादा क्या होता था, अरे भाई काले ना पड़ जाए, धूप से चेहरा काला पड़ जाएगा तो वो दुपट्टा पहन लेते थे, इतने बड़े बड़े मास्क आते, वो ग्लव्स आते थे हाथों को बचाने के लिए वो पहन लेते थे, तो सिर्फ इतना करते थे धूप से बचने के लिए, जबकि सन डैमेज आपकी दुपट्टे के अंदर तक जा रहा है, आपकी स्किन को डैमेज करता है। तो वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ मिलिया कंडीशन इज ऑल्सो कि आपकी स्किन सन के एक्सपोजर में बहुत ज्यादा आई थी पहले या अब या आती रही है इतने सालों से, तो लेटर ऑन स्टेज पे आपको मिलिया की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यानी कि आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया था अपनी लाइफ में, मैंने तो नहीं लगाया था मैं साफ बताऊं तो तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में मिनिमम 15 SPF हो और गर्मियों में मिनिमम 30 SPF लगाना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा बाहर रहते हो तो 50 SPF भी आप लगा सकते हो। देन एक और प्रॉब्लम थी कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, आप जो खा रहे हैं या आप जो लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं वो अच्छा नहीं है, आपको अपने अंदर से काम करना है भाई। ये जो मिलिया की कंडीशन है ना ज़्यादातर तब ठीक होगी जब आप अंदर से अपना सिस्टम ठीक करोगे, मेटाबॉलिज्म हाई रेट पे रखोगे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो आपने खाना खाया वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है या एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। स्लो मेटाबॉलिज्म है तो सारा का सारा जो खाना है थोड़ा बहुत एनर्जी में कन्वर्ट होता है और बाकी सारा फैट बन के आपकी बॉडी में ऐसे थुलुल 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 मोटा मोटा ऐसे जम जाता है, ऐसे ऐसे बन जाता है पूरा, तो वो फैट में बन गया, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, फैट में बन के जम गया आपकी बॉडी में, ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा आपकी। कोई आ गया था, मैं जस्ट भी दे दो खोल के आई। यस, तो मेटाबॉलिज्म स्लो है तो खाना कन्वर्ट होके फैट बन जाएगा, एनर्जी में जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आपका फूड एनर्जी आपको ज़्यादा देगा, फैट की फॉर्म में कम डिपॉजिट होगा आपकी बॉडी के अंदर, तो कम ऑयल बनेगा, कम फैट है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा फिट होगी जितना हाई आपका मेटाबॉलिक रेट है। मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करना है ना डेली, सिंपल सी एक रेमेडी है जो आप अपने लिए कर सकते हो, दालचीनी। दालचीनी के जो फायदे हैं आप इंटरनेट पे तो पढ़ ही सकते हो, इट्स एन अमेजिंग स्पाइस, जिसे कहते हैं ना मसालों का राजा वो है दालचीनी।
आपकी मेटाबॉलिज्म को ऐसे किक स्टार्ट करता है कि आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, आप इतने एनर्जेटिक रहते हो, खाना फटाफट डाइजेस्ट होता है, गैस नहीं होती है, तो ओवरऑल आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। करना क्या है, दालचीनी को पीस के रख लें खाली पेट, जब सुबह आप उठते हो, उठने के बाद गर्म पानी करें, थोड़ा सा वार्म वाटर लें, उसमें 1/8 टेबल स्पून 2 चुटकी दालचीनी लेनी है, उसमें मिक्स करें और उसे पी जाएं आधे घंटे तक। उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है, आपके पोर्स क्लियर रहेंगे, आपकी स्किन क्लियर होगी, जितना अच्छा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उतना ही अच्छी हमारी स्किन हो जाती है। तो ये तो था कि आप इंटरनली क्या कर सकते हो। नाउ भैया डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना तो लास्ट स्टेप है ना, उसके लिए तो खर्चा भी करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, उससे पहले क्या कर लें, रेटिनॉल ए यानी कि ट्रेटिनॉइल, ये क्रीम होती है जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट पे किसी भी केमिस्ट पे आराम से मिल जाती है। ये एक डेरिवेटिव है ऑफ विटामिन ए। ज्यादातर स्किन कंडीशंस में मोस्टली ये क्रीम रेकमेंड की जाती है बाय डर्मेटोलॉजिस्ट। इसमें अलग अलग परसेंटेज आती है, मैंने जो ली है वो है 0.025%। मैं इसे यूज करना चाह रही थी नॉट फॉर मिलिया बट फॉर रिंकल्स और एंटी एजिंग साइंस के लिए, जो मेरी स्किन पे आने एजिंग के साइंस जो आने शुरू हो गए हैं, स्पॉटिंग आ जाती है, थोड़े थोड़े बेबी रिंकल्स आ जाते हैं, डेड स्किन बनने लगती है, डल लगती है स्किन, उसके लिए यूज की जाती है। मैंने इसे लिया हुआ 1 साल हो गया बट हिम्मत नहीं हो रही इसको यूज़ करने की, क्योंकि इसको यूज़ करना थोड़ा ट्रिकी है। बहुत रिसर्च किया मैंने, 6 से 8 महीने इसके बारे में मैंने पढ़ा है, मुझे इतनी इन डेप्थ नॉलेज है ना, इसकी एक वीडियो ज़रूर शूट करूंगी। तो मैं एक और वीडियो भी शूट करने वाली हूँ जिसमें मैं ये यूज़ करना शुरू करूंगी तब की स्किन, और पूरी अपनी जर्नी आपसे शेयर करूंगी इसको यूज़ करने के लिए। आप इसके बारे में पढ़ो जरा इंटरनेट पे, आपको पता चलेगा इट्स अ मिरेकल क्रीम। एक बार आपको सूट कर जाती है, आपकी स्किन को आदत हो जाती है, तो आपकी काया पलट कर देगी स्किन की। तो आप क्या कर सकते हो, ये क्रीम लेनी है 0.025%, क्योंकि हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं तो हम इसकी परसेंटेज कम वाली लेंगे। इस क्रीम को आपको रात को सोने से पहले फेस को अच्छे से क्लीन कर लें, जो मॉइस्चराइजर लगाना है लगा लें, जहां मिल लिया है वहां मॉइस्चराइजर ना लगाएं, वहां ये क्रीम का बहुत छोटा सा जस्ट एक डॉट कि बस वो उस मिलिया वाले स्पॉट को यू नो कवर करेगा, उतना सा लेना है, चाहे क्यू टिप ले लो या टूथपिक होता है ना उतना उतना लो, उठाओ और उसके ऊपर रख दो और उसके बाद थोड़ा सा उसको ऐसे बस उसी जगह पे ना मसाज करो जहां आपको मिलिया लग रहा है, बस वहीं उसको मसाज करो, सो जाओ। इसको जब स्टार्ट करोगे तो हफ्ते में पहले एक दिन छोड़कर एक दिन करना, 1 महीने तक ऐसे ही करना, अगले महीने से इसको रेगुलर रोज लगाना शुरू करना। इससे क्या होता है, डेड स्किन जो है ना वो फटती है, उतरती है पपड़ी बन के, तो घबराना नहीं। लोग क्या करते हैं जब ये ऐसे इफेक्ट्स देखते हैं ना, स्किन फट रही है, पपड़ी बन रही है, काली पड़ रही है, या जलन हो रही है, तो लोगों को लगता है ये तो हमें सूट नहीं किया। एक्चुअली में रेटिनॉल ए काम ही ऐसे करता है, इसीलिए तो मेरी हिम्मत नहीं हुई इसको यूज़ करने की। तो ये काम ही ऐसे करता है, आपकी ओवर जो स्किन की ऊपर वाली सर्फेस है इसको उतार देता है, अंदर से फ्रेश स्किन ले आता है, और जब आप इसको रेगुलर यूज़ करना शुरू कर देते हो तो स्किन को इसकी आदत पड़ जाती है, और वो जो रैशेज वाले या डेड स्किन वाले फटने वाले जो इफेक्ट्स होते हैं ना वो नहीं आते हैं, सिंपल एक मेंटेनेंस वाला फेज आ जाता है आपकी स्किन का। तो इसको स्टार्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी है बट सारा मैं जर्नी शेयर करूंगी, अगर वो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बहुत ऑनेस्टली मैं अपना सारा शेयर करती हूँ। कोई मास्क आपको हेल्प करेगा, होममेड मास्क नहीं करेगा। मैं इतनी रिसर्च कर चुकी हूँ इसके बारे में, मैं ऐसे ही झूठ बोल के किसी को क्यों बोलूँ कि भाई फिलानी चीज़ में ये मिला लो और लगा लो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ इस पर ऐसे एक्सटर्नली काम नहीं करती है, ये बहुत ज़िद्दी स्किन कंडीशन है, ट्रैप्ड है डेड स्किन आपकी स्किन के सर्फेस के अंदर। या तो आप उस सर्फेस को छील दो तब उसको अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो तो हम नहीं कर सकते हैं ना, वो हम कोई भी मास्क लगा ले, कोई भी स्क्रबिंग कर ले, आप उस सरफेस की स्किन को उखाड़ नहीं सकते हो, खोल नहीं सकते हो स्टीमिंग से या किसी पेन से उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ऐसा करोगे तो परमानेंट स्किन डैमेज हो जाएगी, परमानेंट मार्क्स पड़ जाएंगे, जल जाएगी स्किन, प्लीज डोंट डू दैट। तो ये तो हो गया कि क्या क्या हम कर सकते थे, फाइनल जो स्टेप आता है वो है डर्मेटोलॉजिस्ट, भगवान उनके पास आप जा सकते हो। डर्मेटोलॉजिस्ट A skin doctor is the only person who is authorized and also experienced, जो कि अच्छे से आपकी ये मिलिया को extract कर सकते हैं। उनके पास right type of tools होते हैं, experience होता है, उनको तरीका आता है ताकि आपकी skin खराब भी ना हो। तो ये था last कि आप dermatologist के पास जाएं और अपने मिलियाज को extract करा लें। बाकी यार यही सब था, I mean it's a very ज़िद्दी skin condition, और as I mentioned मैं अपनी videos में ना बेवकूफ़ नहीं बनाती हूँ,
मैंने ऐसे ऐसे YouTube चैनल देखे हैं यार, मेरे को ना कई बार गुस्सा भी आता है, मुझे ऐसे लगता है कि यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ, कुछ बनाती हूँ तो अपने ऊपर लगाती हूँ, फिर शेयर करती हूँ, लगा के वीडियो में सामने दिखाती हूँ, फिर भी यार ना सब्सक्राइबर्स आते हैं इतने, ना यू नो व्यूज़ आते हैं इतने, और ऐसे ऐसे चैनल जो ना अपना चेहरा दिखाते हैं ना वो अपने फेस पे लगा के दिखाते हैं, ऐसे हाथ पे लगा दिया या कभी तो लगाते भी नहीं है, उनके लाखों लाखों मिलियंस में आई मीन सब्सक्राइबर्स हैं, तो थोड़ी सी मैं डिसहार्टन हो जाती हूँ कि क्या झूठ ही बिकता है मार्केट में, क्या फेकनेस ही बिकती है, क्या मैं भी 10 तरह के फिल्टर लगा के वीडियोस बना दूं और बिफोर एंड आफ्टर लाइटिंग ऑन कर दूं और ऐसे दिखा दूं, क्या वो लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ऑनेस्टी की क्या कोई वैल्यू नहीं है, ये सारी चीज़ें सोचती हूँ ना, तो बट देन आई अगेन वो जो होता है ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो आप कर रहे हो अगर वो ऑनेस्टी के साथ कर रहे हो, फुल डेडिकेशन हार्डवर्क के साथ कर रहे हो, यू नो बडी कैन डिफीट यू एंड यू विल अचीव वॉट यू वॉन्ट। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी अच्छी सी होम रेमेडी में भी या फिर किसी अच्छे से प्रोडक्ट के साथ, अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस। Bye-bye.